नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Why don't you people understand कि इससे हम लोगों की कितनी बदनामी हो रही है? और तुसी भी समझो ना, अगर हमारा केस सॉल्व नहीं होगा तो हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सबको परेशान करके रखा है। लॉजिक कर लो चोको पांडा, हमने क्या परेशान कर रखा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जिसे भी देखो आप उसे पकड़ लेते हो, पूछताछ शुरू कर देते हो, ये परेशानी नहीं तो और क्या है, जबकि मर्डरर आपकी हिरासत में है। अच्छा कौन है जी, हमें तो खबर नहीं। लुकास और कौन, उसी से पूछताछ कीजिए ना, आपको सब पता चलेगा, वही तो मर्डरर है। जय माता दी। देखो जी, हम तो लुकास से कुछ नहीं उगलवा सके, आप ऐसा करो आप उसे अपने साथ ले जाओ, उगलवा लो, हम चले जाते हैं, तुसे अपना शो कर लो। प्लीज मिस्टर योगराज, इट्स नॉट माई जॉब, ये आप लोगों का काम। Then please let us do our work, Mrs. Gujral. जब तक मर्डर का पता नहीं चल जाता कोई बेंच नहीं होगा। This is too much. मैं आप लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। वो जरूर करो जी, पर एक गल जमा खतर ना, अगर आपने अब हमारे काम में रुकावट डाली तो फिर हम आपको अरेस्ट करेंगे और लुकास के साथ बंद कर देंगे। Disgusting. Interesting. वो अब क्या होगा, ये मिसेस इंडिया तो नाराज हो गई। अब बोल फुड़के के अंदर। यस सर, मैं उस रात लवलीन के कमरे में गया था, पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। उस रात जब मैं वहां पहुंचा तो आई एम सॉरी स्वीटहार्ट। वो क्या है ना कि पार्टी में तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सका, बट नाउ आई विल। ओ माय गॉड, सर लवलीन की डेड बॉडी देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। ओहो अच्छा, पर तूने बाहर आके शोर क्यों नहीं मचाया कि लवलीन मर चुकी है? सर इसलिए कि सब मुझ पे ही शक करते, सब मुझसे पूछते कि आधी रात को पार्टी छोड़कर मैं उसके रूम में क्या करने गया था। बिलीव भी सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। चलो कर लिया बिलीव कि तूने लवलीन का मर्डर नहीं किया। थैंक यू सर। ओए थैंक यू बोलो बीबी लवलीन का, जिसके साथ तेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, नहीं तो तू फंस जाता। अच्छा ये बताओ, तुसी किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिससे लवलीन की ना पटती हो? यस सर, डेविड। डेविड? वो डेविड के साथ लवलीन की क्या दुश्मनी थी? सर पार्टी वाली रात लवलीन ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी, सबके सामने बेइज्जत किया था, यहाँ तक कि उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ह्यूमिलेट किया था, बहुत ह्यूमिलेट किया था सर। यस सर। ओ जय माता दी। अच्छा तो तू मर्डर है सर? वो जब पार्टी में लवली ने तेरी इंसल्ट की, वो तेरा मजाक उड़ाती रहती थी सबके सामने, इसलिए तूने उसे जान से मार दिया। सॉरी कैसे हो सकता है, दिस इज रेप एंड मर्डर केस और डेविड गे है। उस दिन जब तू पार्टी से भाग गया था तो भाग के सीधा तू पहुंचा कॉस्ट्यूम रूम में, तू अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए तूने लवलीन की ड्रेस से ये तार निकाला और लवलीन के कमरे में पहुंचा। सर मुझे लगता है आपको रिटायर हो जाना चाहिए, एक गे पर रेप का चार्ज लगा रहे हैं आप। ओए चुप कर, ये रेप नहीं सिर्फ मर्डर केस है। इफ यू डोंट बिलीव मी कॉल टू हॉस्पिटल। व्हाट? यस नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। ओए काका, तू बोलेगा कि बुलाऊं तेरा हवाई जहाज, फेरूं तेरे ऊपर रोलर? It means, इसने हमें धोखे में रखने के लिए लवलीन के कपड़े उतारे ताकि हम ये समझे दिस इज रेप एंड मर्डर केस। नो, मैंने
मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे, मैंने तो सिर्फ उस बिच की गर्दन दबाई थी। उस रात मुझे तो उसे बहुत पहले मार देना चाहिए था, मगर मैं चुपचाप सहता रहा सर, लेकिन पार्टी वाले इंसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी जगह अगर आप होते ना तो आप भी वही करते सर। पेशेंट है सम लिमिट, इट इज अ बट आई डिड विथ हर। तो बता किसने कपड़े उतारे? ओए बीबी बीबी मैं बताता हूँ। हाँ भाई बोल पहलवान, आगे वाली कहानी बोल। ओए चित्र खा के बोलेगा है? बता दो बोल, बता दो। जब मैं मैनेजर को इन्फॉर्म करके रूम में वापस पहुंचा तो मैंने देखा वो सैम कमरे में रूम से बाहर निकल रहा था। मैं चुप गया। उसके जाते ही जब मैं कमरे में गया तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। सैम को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं सैम को। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो लवली, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा घूमता है। जय माता दी। बीबियों देवियों माफ करना, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब आप आराम से मिस इंडिया खेलो, कातिल अरेस्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। जय माता दी। जय हो। चलो ए चलो चलो। शर्मा जी। हाँ सर। इन दोनों को अलग अलग कमरे में रखना। जी सर। हाँ जय माता दी बोलो, पज के कुंडा खोलो। जय माता दी। डेविड जैसा इंसान भी मर्डरर हो सकता है? मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। देखो गुंजन, लवली ने डेविड की काफी बेइज्जती की थी, एंड हाउ मच ए पर्सन कैन बी है, हो सकता है बर्दाश्त ना कर सका और उसने उसका खून कर दिया हो। No, Raj. But now I can't trust anyone. ऐसा लगता है जैसे यहाँ सब मर्डरर हो। मुझे भी कोई मार डालेगा राज। राज, राज मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कुंजन, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुंजन तुम्हारे हर दुख हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। तुम हो राज तो मैं हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं कब के यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती। लेकिन फिर भी राज, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है जैसे अभी भी बहुत कुछ होने वाला है। Thank you.
वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू मिस इंडिया ब्यूटीफुल फेस राउंड। ये वो प्रेस्टीजियस और हैपनिंग राउंड है, इसका पैकेज प्राइस इतना ज्यादा है कि शायद मिस इंडिया बनने वाले कंटेस्टेंट को भी ना मिल पाए। तो चलिए देखते हैं कौन बनेगा मिस ब्यूटीफुल फेस। या व्हाट? व्हाई ऑलवेज मी? व्हाट हैपेंड मॉम? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मिस्टर योगराज फिर से आ रहे हैं। मगर क्यों? उनका कहना यह है कि लवलीन का खून डेविड ने नहीं किसी और ने किया है। ओह आई सी। हाँ, वो कह रहे थे मुझे कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला कि लवलीन का मर्डर पॉइजनस इनेमल की वजह से हुआ है, और डेविड के गला दबाने से पहले ही लवलीन की मौत हो चुकी थी। नाउ मिस्टर योगराज इज कमिंग बैक टू रीस्टार्ट हिज इन्वेस्टिगेशन। ओह माय गॉड। अविनाश प्लीज वुड यू लुक आफ्टर हियर? मैं ऑफिस जा रही हूँ, मिस्टर योगराज मुझे वहीं मिल रहे हैं। ओके मॉम। लेकिन अभी भी क्या गारंटी है कि आप मर्डरर को पकड़ सकते हैं? आखिर आपने ये गलती की कैसे? वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है बीबी, वो बाबा आदम से गलती हुई थी तो फिर आदमियों से भी गलती होती ही रहती है। लेकिन आपकी गलती की सजा हम क्यों भुगतें? ये तो रीत है, आदमियों की गलती हमेशा बीबियों को भुगतनी पड़ती है। मुझे अफसोस इस बात का, पर मैं रीत तो नहीं बदल सकता। This is ridiculous, Mr. Yograj. I am going to complain about you to the higher authorities. सत्य वचन बीबी, but do what you want. लेकिन मैं रिटायर होने के पहले अपने ऊपर ये दाग नहीं लगा सकता कि योगराज सिंह असली कातिल को नहीं पकड़ सकया। इसलिए जब तक जिन्नी कॉस्मेटिक्स इकट्ठे कर रही है तब तक आप अपनी कुड़ियों को कहो कि डाइनिंग हॉल में चली जाएं, रोटी सोटी खाएं, वहीं रहें, अपने कमरे में घुसने की कोशिश ना करें। Damn you. जय माता दी। ओ गुड मैन दी लालटेन, शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओए अरे रुको उसे। टॉर्च दो। तुम लोग उसको ढूंढो, उधर कौन भागा है? मिस्टर अविनाश, 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 मिस्टर अविनाश। Raj, tell everybody to pack their bags and leave. ये इवेंट नहीं होगा। But ma'am,
वेरी बैड. व्हाट इज बैड? इवेंट का रुकना या अविनाश का मर्डर? जिसके दिल पे गुजरती है वही जानता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है. कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर योगराज? अब आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और आप चाहते हैं कि मैं ये इवेंट कंटिन्यू करूं? बीबी, अगर आप ये इवेंट रोक दोगे तो कातिल को पकड़ने का मौका मिल जाएगा और ये मौका मैं उसे देना नहीं चाहता. He's right, Mrs. Kuchar. क्या आप नहीं चाहती कि अविनाश का मर्डरर पकड़ा जाए? बिल्कुल चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त कड़ी सजा हो जाए. ठीक है, मान लेती हूँ आप लोगों की बात. शो विल गो ऑन. जय माता. मैंने लवलीन का मर्डर किया है? Are you mad? वो पागल तो तू हो गई थी. जब तुझे पता चला कि मिस ब्यूटीफुल फेस अवार्ड लवलीन को मिलेगा क्योंकि लवलीन स्पॉन्सर्ड कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी, इसलिए तूने लिपस्टिक में जहर मिला के उसको मार देता. एक तीर से दो शिकार कितने, एक तो ब्यूटीफुल फेस अवार्ड जीता, दूसरा लवलीन के मिस इंडिया बनने के रास्ते में झाड़ू लगा दिया. रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्या सबूत है आपके पास? सबूत? ये है लिपस्टिक. इस लिपस्टिक से लवलीन का मर्डर हुआ और ये लिपस्टिक तुम्हारे वैनिटी बॉक्स में से बरामद हुई है. ऑफिसर, क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मर्डर करने के बाद उसका सबूत मैं अपने बैग में लेकर घूमूंगी? तो ये लिपस्टिक तुम्हारे बैग में कैसे आई? आई डोंट नो. ठीक है, तो फिर जब तक पता न चल जाए कि आपके बैग में ये लिपस्टिक कहाँ से आई, तो तब तक आप हमारी हिरासत में रहिए. यस मिनका, और तुम किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करो. नो सर, सर प्लीज आप मुझे पार्टिसिपेट करने से मत रोकिए. यस मिस्टर योगराज, एक लिपस्टिक के बेस पर मेनका को डिटेन करना सही नहीं होगा. उसके करियर का सवाल है. अगर आपका शक गलत निकला तो शुरू होने से पहले ही मेनका का करियर बर्बाद हो जाएगा. अगर ये यहाँ से भाग गई तो? नहीं भाग सकेगी मैम. मैं आपको एक ऐसा मॉनिटर रूम बना के दे सकता हूँ जहाँ पर बैठकर आप रिसॉर्ट के चप्पे चप्पे पे नजर रख सकते हैं. ओके, गुड. पर एक बात याद रखना, आपका एक भी गलत कदम हमारे शक को यकीन में बदल देगा. और कानून की पकड़ से दूर नहीं हो तुम. जय माता दी.